प्रिया, आज है 12 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने सुनी इतने फरियादियों की फरियाद। आज आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी बिहार, किए गए पुख्ता इंतजाम। सोनू सूद से मिले बिहार से निकले चित्रकार अजमेर आलम। T20I के बाद भारत की नजरें वनडे सीरीज पर। बिहार और यूपी में अभी नहीं होगी बारिश। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश ने सुनी इतने फरियादियों की फरियाद। हर सोमवार की भांति बीते सोमवार भी सीएम नीतीश की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन करवाया गया था, जहां पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुल मिलाकर 55 फरियादियों की फरियाद सुनी, जिसकी जानकारी बीते दिन IPRD ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से साझा की है। इस दौरान ही जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सोमवार एक शिकायतकर्ता ने कहा कि मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड बंद है, MRI भी नहीं होता, ब्लड बैंक भी नहीं है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह दुखद बात है कि जांच नहीं होती है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका के चयन में गड़बड़ी की शिकायतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को बुलवाया और पूरी जानकारी ली। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रतन बाई की। रतन बाई का जन्म 12 जून साल 1986 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। रतन बाई एक भारतीय अभिनेत्री और गायिका थी। वो अभिनेत्री शोभना समर्थ की माँ, अभिनेत्रियों नूतन और तनुजा की दादी, अभिनेत्रियों काजोल, तनिषा मुखर्जी और अभिनेता मोहनीश बहल की परदादी थी। रतन बाई काफी प्रभावशाली गायिका थी, जिन्होंने भजन लिखे, उन्हें गाया, काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी हुआ। उन्होंने अपने भजनों के बोल उन मित्रों के बीच वितरित करने के लिए प्रकाशित किए, जो कि चेंबूर में उनके घर पर महाशिवरात्रि समारोह के दौरान उनके साथ गाएंगे। रतन बाई ने शिवाजी में की मां के रूप में भी स्वराज्य सीमावार नामक केवल एक मराठी फिल्म में अभिनय किया है। आज आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी बिहार, किए गए पुख्ता इंतजाम। आज बिहार वासियों के लिए बेहद ही खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज देश के प्रधान खुद बिहार आने वाले हैं, जिसके बाद ही बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी समापन समारोह पीएम मोदी की मौजूदगी में बेहद ही ऐतिहासिक बनने वाला है। उनकी इस यात्रा को लेकर विधानसभा सचिवालय, राज्य सरकार और पटना जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मंगलवार 12 जुलाई को करीब 2 घंटे पटना में रहेंगे। रविवार को बिहार विधानसभा की प्रेस सलाहकार समिति की बैठक के दौरान ही पटना के DM और SSP की मौजूदगी में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने PM के कार्यक्रम की जानकारी दी थी। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग UPHESC ने निकाली रिक्तियां। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने सहायक प्रोफेसर के कुल मिलाकर 917 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन PhD SLET सेट में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 7 अगस्त 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट UPHESC.org पर जाकर इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से भी जाकर ले सकते हैं। सितंबर तक मिलेंगी स्मार्ट पार्किंग की सुविधाएं, अग्रीमेंट पर लगी मुहर। शहर में जहां तहां गाड़ियों की पार्किंग से बदहाल हुई ट्रैफिक व्यवस्था अब सुदृढ़ नजर आने वाली है, क्योंकि अब बिहार की राजधानी पटना को स्मार्ट और ट्रैफिक फ्री बनाने के उद्देश्य से पटना नगर निगम ने स्मार्ट पार्किंग के लिए एजेंसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, जिसके बाद ही अब 37 जगहों पर लोगों को ये सुविधा मिलने वाली है। इसके बन जाने से शहरवासी अपने वाहन को राजधानी के किसी भी हिस्से में पार्किंग आसानी से कर सकेंगे। एक अनुमान के मुताबिक सितंबर तक लोगों को स्मार्ट पार्किंग की सुविधाएं मिलने लगेगी। इसके निर्माण से शहरवासी अपने वाहन को राजधानी के किसी भी हिस्से में पार्किंग कर सकेंगे। खराब सरकारी नलकूपों पर पटना हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। बिहार में किसानों और कृषि कार्य में सहायता के लिए लगाए गए राजकीय नलकूपों के बेकार पड़े होने से मामले में बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान ही जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने गुड्डू बाबा उर्फ विकास चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं बीते दिन कोर्ट को इस बात की जानकारी दी गई है। राज्य में सिंचाई कार्य के लिए 10,000 से अधिक राजकीय नलकूपों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया गया। इनमें से लगभग एक तिहाई नलकूप ही चालू हालत में रहे हैं, बाकी 6,636 नलकूप बेकार पड़े रहे। इस कारण राज्य में कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रधानमंत्री के पटना दौरे पर राजद ने की मांग। आज लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। हालांकि एक तरफ जहां NDA गुट में जोश का माहौल है, तो उनके आगमन पर विपक्ष ने भी सवालों के जाल बिछाना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहला नाम राजद का है। आज प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले ही मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि ये अच्छा मौका है, जब उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मोदी के सामने स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाना चाहिए। राजद प्रवक्ता ने कहा कि बिहार का बहुत पुराना मांग यही रहा है कि विशेष राज्य के दर्जे के रूप में इसे दिया जाए। राबड़ी देवी ने सबसे पहले विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग उठाई थी, इसके बाद से लगातार मांग हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले।
बिहार और यूपी में अभी नहीं होगी बारिश। बारिश की आस में बैठे बिहार वासियों को बड़ा झटका लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अभी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी यह दावा किया है कि बिहार और यूपी में अभी बारिश के आसार नहीं है। विभाग की माने तो लोगों को उमस भरी गर्मी से अभी राहत नहीं मिलेगी। NCR समेत पूरे उत्तर भारत में फिलहाल बारिश की उम्मीद कम है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर भारत में कभी कभी हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में अभी तापमान गर्म रहेगा। सोनू सूद से मिले बिहार से निकले चित्रकार अजमेर आलम। बिहार के सिवान जिले के पंचलखी पंचायत के सुजाव गांव के रहने वाले चित्रकार अजमेर आलम आंखें बंद करके किसी की भी तस्वीर बनाने में बहुत ही माहिर है, जिसके बाद ही अब उनकी चर्चा खूब हो रही है। हालांकि उनकी बातें साल 2020 में उस वक्त ही शुरू हो गई थी जब उन्होंने मात्र 5 मिनट में आंख बंद करके सोनू सूद की तस्वीर बना दी थी। वहीं अब सोनू सूद ने खुद इस बेहतरीन कलाकार से मुलाकात की। कुछ ही दिनों बाद अभिनेता सोनू की टीम ने अजमेर को मुंबई बुलाया, जहां अजमेर आलम अपने दोस्तों के साथ सोनू सूद से मिले। चित्रकार अजमेर आलम जब फिल्म अभिनेता से मिलने पहुंचे तो उन्होंने अपने सामने अपनी चित्र बनाने को कहा। अजमेर ने आंखों को बंद कर महज 5 मिनट में कोरे कैनवास पर सोनू सूद की तस्वीर बना डाली। सोनू से मिलकर अजमेर अब सिवान लौटा है। अपने गांव छुट्टियां मनाने पहुंचे पंकज त्रिपाठी। काम से फुर्सत मिलते ही अपने गांव में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचने वाले पंकज त्रिपाठी एक बार फिर से अपने पैतृक गांव में छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। अपने परिवार और ग्रामीण के साथ पंकज 4 दिनों से छुट्टियां मना रहे हैं। अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने पैतृक गांव गोपालगंज के बरौली प्रखंड के बेलसंड गांव में अपने माता पिता से मिलने पहुंचे हैं। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने बताया कि इस बार वो 6 महीने बाद गांव आए हैं। गांव में माता पिता और बड़े भाई का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने बताया कि गांव में वो आनंद से है, बोरवेल पर नहा रहे हैं, परिजनों संग लिट्टी बना रहे हैं, भागम भाग भरी जिंदगी से कर गांव आए हैं। यहां इत्मीनान मिलता है, लगता है जीवन कितना ठहरा हुआ है। गरीब छात्राएं निःशुल्क करेंगी मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी। वैसी छात्राएं जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, जिनके पास तैयारी करने के लिए साधन नहीं होता, उनकी मदद के लिए पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया है, जिसके तहत ही अब राज्य के 11 जिलों के लगभग 12 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में छात्राओं को निःशुल्क मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए बजट भी तय कर लिया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अब इसमें 12 स्कूलों के लिए 3 लाख का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रत्येक स्कूल को 25,000 की राशि मुहैया कराई जाएगी। इस राशि से स्कूलों में छात्राओं की तैयारियों के लिए संबंधित किताबें और सिलेबस सेट खरीदी जाएंगी और उसे पुस्तकालय में रखा जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर 7 अगस्त को पूरे बिहार में होगा प्रदर्शन। बिहार की जनता इन दिनों महंगाई की मार का सामना कर रही है। हालांकि इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में राजद प्रदेश कार्यालय में बीते दिन बैठक बुलाई गई थी, जहां पर ही सभी विपक्षी दल इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में यह फैसला लिया गया कि 7 अगस्त को पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। महागठबंधन के सभी साथी महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि मुहर्रम को देखते हुए तारीख को बदला गया है। पहले प्रदर्शन का कार्यक्रम 9 अगस्त था, अब 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 15 जुलाई को पटना आ रहे हैं। बिहार में बाढ़ का खतरा बरकरार। बिहार में बाढ़ का खतरा बरकरार है। हालांकि बिहार में बारिश में कमी आने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि बाढ़ की आशंकाएं कम होगी, लेकिन नेपाल में हो रही बारिश ने इन आशंकाओं को खत्म कर दिया है। आलम कुछ यूं है कि बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में या तो आ चुके हैं या कगार पर है। ताजा जानकारी के अनुसार कोसी स्थिर है, बागमती फिर बढ़ने लगी है। 6 दिनों के बाद सोमवार को बागमती के जलस्तर में वृद्धि हुई है, लेकिन कोसी और बागमती दोनों खतरे के निशान से नीचे बह रही है। कोसी की टेंडेंसी स्थिर है, लेकिन बागमती की प्रवृत्ति बढ़ने की है। बूढ़ी गंडक भी खगड़िया में बढ़ है, लेकिन खतरे के निशान से काफी नीचे है। खगड़िया में बूढ़ी गंडक सोमवार को खतरे के निशान से 4.97 मीटर नीचे बह रही थी। जिला प्रशासन और बाढ़ नियंत्रण अंचल खगड़िया ने सभी बांध तटबंधों को सुरक्षित बताया है। मधुबनी के उच्चैठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मिथिला में एक प्रसिद्ध सिद्धिपीठ के नाम से जाना जाने वाला भगवती स्थान उच्चैठ बेनीपट्टी अनुमंडल में स्थित है। भगवती मंदिर के गर्भगृह में मां दुर्गा सिंह पर कमल के आसन पर विराजमान है। इन्हें छिन्नमस्तिका दुर्गा भी कहा जाता है, क्योंकि दुर्गा मां सिर्फ कंधे पर ही दिखाई देती है, कंधे से ऊपर इनका सिर नहीं है। मान्यताओं के अनुसार कालिदास पहले काफी मूर्ख थे, परंतु इसी स्थान पर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर वो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार बने। दोस्तों, मधुबनी अपने यहां आने वाले पर्यटकों पर जादू असर डालता है। जो पर्यटक यहाँ आते हैं वो इस स्थान की खूबसूरती और विरासत से इनकार नहीं कर सकते। कम से कम इतना तो कहा जा ही सकता है, आपको एक बार मधुबनी घूमने जरूर जाना चाहिए।
दक्षता परीक्षा में फेल होने का प्रमाण देने वाले की ही होगी विशेष पढ़ाई। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अब तक ली गई दक्षता परीक्षा में 3 बार फेल हुए शिक्षक ही राज्य के चिन्हित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 6 महीने के लिए फेल शिक्षकों के लिए की गई विशेष पढ़ाई का लाभ ले सकेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बीते दिन जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत ही प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने इसको लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रशिक्षण केंद्रों पर उन्हीं शिक्षकों को प्रशिक्षण में शामिल किया जाए जिनके पास दक्षता परीक्षा अनुत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र हो। इसी महीने के आरंभ से हर शनिवार और रविवार को राज्य के 14 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में ये पढ़ाई आरंभ की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षा विभाग को इस प्रशिक्षण को लेकर चौंकाने वाली सूचनाएं मिली है। राजद में शुरू हुई प्रदेश अध्यक्ष की तलाश। राजद पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश अब शुरू हो गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह जिम्मेदारी छोड़ने की पेशकश की है, जिसके बाद से ही अब पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में जुट गई है। इतना ही नहीं, अब तो इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई है कि आखिर पार्टी किसे इसकी जिम्मेदारी देने वाली है। जिन दो नामों को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने की बात चल रही है उनमें तेजस्वी के करीबी और विश्वस्त माने जाने वाले आलोक मेहता और लालू प्रसाद परिवार के हनुमान शिवचंद्र राम के नाम शामिल है। इसके अलावा श्याम और पहले भी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके उदय नारायण चौधरी के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। कचरे का नहीं हो रहा है उठाव, तुरंत करें इस नंबर पे कॉल। अगर आपके घर या आसपास कचरे का उठाव नहीं हो रहा है तो आप इसकी सीधी सीधी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए टोल फ्री नंबर 155304 जारी किया गया है, जहां पर कॉल कर इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के लगभग कुछ घंटों के बाद ही कचरे उठाने वाली गाड़ी आकर कचरा उठाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि पटना शहर के कुछ हिस्सों में कचरे का उठाव नहीं हुआ, जिसके कारण वहां पर रहने वाले लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए इस टोल फ्री नंबर को जारी किया गया है, जिस पर अब आप शिकायत कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी प्रोडक्ट के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए वार्डों में जाने वाले कचरा कलेक्शन की गाड़ियों को जीपीएस तकनीक से भी ट्रैक किया जा सकता है। भारत में एक मिनट में 30 बच्चे हो रहे हैं पैदा, गिरिराज सिंह ने दी संभलने की नसीहत। भारत में बढ़ती आबादी पर चर्चा तेज है। आलम कुछ यूं है कि आने वाले सालों में देश की आबादी चीन से भी ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी बात रखी है। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत में जनसंख्या दर बेतहाशा बढ़ रही है, जिस पर नियंत्रण करना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि बढ़ती आबादी भारत के संसाधनों, सामाजिक समरसता और विकास को दीमक की तरह खा रही है। जरूरत है ऐसी संख्या नियंत्रण कानून की जो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू हो और 8-10 बच्चे पैदा करने वाली विकृत मानसिकता पर भी अंकुश लगे। अग्निवीर के लिए जल्दी करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अग्निपथ योजना के तहत आर्मी में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होने जा रही है। ऐसे में अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 अगस्त की मध्यरात्रि को समाप्त हो जाएगी। वहीं बहाली की प्रक्रिया 21 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी। लिखित परीक्षा जनवरी या फरवरी में आयोजित होने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान स्थित ARO ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और को लेकर तारीख की घोषणा कर दी है। वहीं सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक सेना मेडल कर्नल बॉबी जसरोटिया ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को लेकर तैयारी शुरू करने की बात कही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। शिवाजी ने 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मित्रता के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारत में निर्मित पहला वाष्प जहाज डायना का 1823 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, वहां अनावरण किया गया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगाए गए प्रतिबंध को सशर्त 1949 में हटाया गया। भागलपुर और रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना 1960 में हुई। भारत और बांग्लादेश अगरतला और ढाका के बीच मैत्री बस सेवा 2001 में प्रारंभ हुई। हिंदी फिल्मों के निर्देशक विमल रॉय का जन्म 1909 में हुआ। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल का जन्म 1982 को हुआ था। विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिंदी फिल्मों के अभिनेता दारा सिंह का निधन 2012 में हुआ था। T20I के बाद अब भारत की नजर वनडे सीरीज पर। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया मंगलवार यानी कि आज से शुरू होने जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने पिछले कुछ वर्षों में अपने आक्रामक खेल से वनडे क्रिकेट खेलने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। टीम को इसका फायदा 2019 विश्व कप खिताब के साथ मिला था। इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप को देखते हुए रोहित ने कहा कि सफेद गेंद के प्रारूप में टीम को हर मैच पर अब अहम ध्यान देना होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के मुकाबले 12, 14 और 17 जुलाई को खेले जाएंगे। ये सीरीज सिर्फ वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे शिखर धवन जैसे खिलाड़ी के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि आगामी वेस्टइंडीज दौरे पर उन्हें टीम की कप्तानी करनी है। पटना समेत सभी कमिश्नरी में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर इस दिन किया जाएगा रवाना।
15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खास कार्यक्रम का आयोजन करने की इस बार भी तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार की तरफ से हर वर्ष युवाओं के लिए खास आयोजन भी किया जाता रहा है, जिसके बाद ही इस साल भी श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 15 जुलाई से 30 जुलाई तक राज्य भर में कौशल जागरूकता रथ रवाना कर रही है, जो राज्य के सभी कमिश्नरी और जिलों से होते हुए प्रखंड स्तर पर स्थापित कौशल विकास केंद्र से होते हुए गुजरेगी। इस दौरान कई प्रखंडों और कौशल विकास केंद्रों पर नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जाएगा। बीपीएससी पेपर लीक मामले में ईओयू ने इतने लोगों से और की पूछताछ। बीपीएससी पेपर लीक मामले में भदभदवा रही बिहार की नीतीश सरकार अब इस मामले में संलिप्त लोगों को ढूंढने का काम कर रही है। इसी बीच अब इस मामले में हर दिन नई गिरफ्तारियां भी हो रही है और कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, जिसके तहत ही बीते दिन भी बीपीएससी पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में ईओयू बीएसएपी 14 के डीएसपी रंजीत रजक से पूछताछ करने पहुंची। उनके इस मामले में संदिग्ध भूमिका को लेकर उनसे ईओयू सुबह से ही पूछताछ कर रही थी। मिली जानकारी के अनुसार पर पहले भी एक मामला दर्ज हुआ था। बीपीएससी पेपर लीक मामले में इससे पहले गया जिले के डेल्हा स्थित रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल शक्ति कुमार को ईओयू ने गिरफ्तार किया हुआ है। बिहार में मिले कोविड-19 के 300 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 344 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2270 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 5, अरवल में 7, औरंगाबाद में 3, बांका में 45, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 19, बक्सर में 1, दरभंगा में 3, ईस्ट चंपारण में 0, गया में 21, गोपालगंज में 3, जहानाबाद में 4, कैमूर में 1, कटिहार में 1, खगड़िया में 5, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 1, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 17, नालंदा में 1, नवादा में 1, पटना में 167, पूर्णिया में 3, रोहतास में 10, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 2, सारण में 7, शेखपुरा में 1, सिवान में 1, सुपौल में 4 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 4 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 74,901 सैंपल की जाँच हुई, वहीं इस दौरान 175 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। दो लोग मिलकर कर सकेंगे एक ट्वीट। आने वाले समय में अब आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर ट्वीट कर सकेंगे। ट्विटर अपने यूजर को जल्द ही एक खास सुविधा देने जा रहा है। दरअसल ट्विटर ने एक नए फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जो यूजर को एक ट्वीट को ऑथर करने में सक्षम करेगा, या साफ शब्दों में कहें तो ये फीचर दो यूजर्स को एक के रूप में एक ट्वीट पोस्ट करने की सुविधा देगा, यानी अपने आप दोस्त के साथ मिलकर एक ही ट्वीट कर सकेंगे। ट्विटर ने खुद पुष्टि की है, उसने को ट्वीट नाम के एक नए फीचर के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है, जो दो लेखकों को स्पॉटलाइट शेयर करने और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को शोकेस और अधिक लोगों के साथ जुड़ने में सक्षम करेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है बबीता यादव, गौतम कुमार, आशुतोष कुमार, नुन्नू कुमार, संदीप कुमार, अमन कुमार, ओम प्रकाश भारती, पंकज कुमार दास, अभिषेक कुमार सिंह, आतिक खान, दीपू तिवारी, मनीष कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में किस टीम का पर्दा ज्यादा भारी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।